मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिमंडी शहर में एक 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भिमंडी शहर के नागांव में रहने वाले पीड़ित परिवार किराए के मकान में रहता है और पिता जो है वो कबाड़ी का काम करता है और माँ एक बैग बनाने वाले कंपनी में काम करती है। सुबह के वक्त ये दोनों माता पिता जो है काम पर चले गए, मगर शाम को जब वापस आए तो घर में सिर्फ इनका 5 साल का और 7 साल का ये दोनों बेटे ही मौजूद थे, मगर 3 साल की जो इनकी मासूम बेटी थी वो घर पर नहीं थी। हालांकि इस संबंध में पुलिस में इन लोगों ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी और शांतिनगर पुलिस इस 3 साल की मासूम लड़की की तलाश में भी जुटी थी, मगर तभी जानकारी सामने आई कि जहाँ पर ये पीड़ित परिवार रह रहा है उसके कुछ ही दूर पर एक सुनसान चाल है, वहाँ पर एक कमरे में इस 3 साल की बच्ची की शव जो है बरामद की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम भी गठित कर दी है। इस पूरे मामले की जानकारी DCP नवनाथ ढौले ने दी है, आपको सुनाते हैं। कल रात को शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें एक 3 साल की लड़की मिसिंग हुई है, ऐसी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुई थी। उसी के तहत हमारे पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर और कर्मचारी वो लड़की को सर्चिंग ऑपरेशन जारी था। उसी बीच सुबह मॉर्निंग में नागांव के बीच एक रूम में उनकी बॉडी मिली है। उसी के तहत अभी 302 का गुनाह दाखिल हम कर रहे हैं। उसकी जो बॉडी है वो JJ हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है और आरोपी की शोध मुहिम भी जारी है। जल्दी से जल्दी आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा।